आज हम एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे हैं। लोकेशन का नाम नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि थोड़े से प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। और अब्दुल भाई वो जा रहे हैं और ये आप व्यू चेक करें। वैसे व्यू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जगह कौन सी है, लेकिन जगह मैंने प्रॉपरली नाम नहीं बताना। हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत धूप है, ऊपर जाते हैं क्या? ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं। हमें कोई हाँ गरीबों की गंगा चोटी में ऊपर जाते हैं। हम कुछ छाऊँ वाली जगह में तो बैठते हैं वहाँ पे। अच्छा तो हम ऊपर छाऊँ में आ गए और हमें ये बहुत बड़ा पत्थर मिला है उस बैठने के लिए। और मतलब क्या कर रहे हैं, ये लेके आए थे ना, ये बोतल मैंने भी लाई थी, मैंने पिया ही, अभी मैंने बचा के रखा हुआ है सर। तो ये सीन देखें आप, वहाँ से आपको पूरा कोटी नज़र आ रहा है और वहाँ पे एक मस्जिद है। मैं जूम कर देता हूँ, ये है जी मस्जिद और ये आवाम के घर हैं। और क्या बोलो, घर है ना, ये बहुत प्यारी जगह है। वैसे वैसे थोड़ा लग रहा है गंगा चोटी ये है ना, सिर्फ बर्फ नहीं हो रही। हाँ बस ये समझ लो कि गंगा चोटी ये अभी और जगह नहीं है। हम जा रहे हैं ऊपर और अब्दुल्ला वो जा रहा है ये यहाँ पे कुछ एयर में निकल आए ना। आप व्यू चेक करें, देखेंगे आपको पूरा कोटली नज़र आ रहा होगा। हाँ और अभी अजानों का टाइम हो गया और अजानें हो रही हैं। अब जरा मारनी है छलांग लगाओ। नहीं मैंने नहीं खाना बबल, बबल मैं क्यों खाऊँ, मैं नहीं खाता होता, बच्चे खाते होते हैं। आपने क्या समझा, मैंने आपको बड़ा समझा ठंडी चुस्से मारता है अब्दुल्ला। वैसे अब्दुल्ला इतनी ठंडी चुस्से कहाँ से सीखी है? आपके साथ रहूंगा। अच्छा बड़ा मुझे पता है, ऑफर आती रही है कि आप आए हमारे साथ कॉमेडी ड्रामा करें, कॉमेडी फिल्म करें। किस पागल ने कॉन्टैक्ट किया था? जब से आपके साथ रहूं मेरा तो सत्यानाश निकल गया। लोगों को पता चल गया कि जगह कौन सी है, तो भाई हम इतने ही अफोर्ड कर सकते थे और इतना ही अफोर्ड किया और हम यहाँ पे आए, इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा तो ये है हवाई जहाज ग्राउंड। हाँ टोपियाँ कोई बहुत दूर तो नहीं था, टोपियाँ भी घंटा ही लगता है क्या? ऐसे रहे हम कर दू और गिलगित बल्तिस्तान से होके आए। बोलो अब बोलो। नहीं हो सकता हमारा प्लान बन जाए। हाँ हमारा प्लान ही बनेगा। शोर ना किया करो कि मेरी इतनी औकात थी, औकात से बढ़ के कोई बात कर लिया करो। आप कर दें तो नहीं, हमारी इतनी जरा भाई आपने आईफोन 40 प्रो मैक्स से वीडियोज बनाते हुए यार। अब्दुल्ला इसे मैंने कहा है कि शेर आ जाएगा, कहता नहीं आता, मुझसे बड़ा नहीं है शेर। यार आप वो कहते हैं हमारी जुबान में डरना कर, ठीक है, यानी कि आप इतने डरते हैं। उस वक्त मुझे कही जा रहा है शेर आ जाएगा ये, मुझे तो आ भी सकते हैं ना, चंद दिन पहले खबर आई थी खबर इस इलाके की, मेरा खुदा का सवाल है। अच्छा तो ये रही मस्जिद, ये छोटी सी मस्जिद है और अभी जोहर की नमाज का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद और ये रही सीढ़ियाँ और ये रही मस्जिद। ऊपर रही और सी नज़र ही नहीं आ रहा। अब ये मत कहना कि मस्जिद दिखाने की क्या ज़रूरत है, मस्जिद दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा तो ये रहा कोटली का व्यू, ये सारा देखें। और अब्दुल्ला वज़ू कर रहा है नीचे और मैं ऊपर आ गया हूँ। याद रखिए कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। और मैं आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखा दूँ, ये देखें ये है मस्जिद, बहुत छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत प्यारी मस्जिद है। उस लोकेशन के बाद हम यहाँ पे आए, जो ये पुल दिखाया था मैंने अपने किसी पुराने व्लॉग में, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना तब मैंने ये दिखाया था मोस्ट डेंजरस पुल इन कोटली। और ये है पुल, देखें यहाँ पे इसकी फटियाँ ही नहीं है, मतलब बंदा इतनी मुश्किल से चल के जाता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरा मोबाइल गिर जाएगा, यहाँ से कैसे हूँ जैसे खेरे वो दिखाता हूँ चल के। देखिए मेरे पाँव, ये है अब्दुल्ला, देखा आपने कितना डेंजरस पुल है, ऐसे यहाँ पे विजिट करना चाहिए। बस जो ना चलते हैं वापस। अच्छा तो हम अब वापस जा रहे हैं और